नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको रशिया के सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा भारत को 25 से 27 प्रतिशत तक के कम दाम पर क्रूड ऑयल को बेचे जाने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देश रशिया के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं। और इस प्रतिबंध को देखते हुए रशिया और उसके सहयोगी देश अब रशिया के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले तेल और गैस पर भी प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं, जिसके बाद से रशिया की सरकारी तेल कंपनियों ने अपने तेल को 25 से 27 प्रतिशत तक के कम दाम पर बेचने का अनाउंसमेंट किया है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर रशिया की ऑयल मार्केट को बाहर किया जाता है तो इससे तेल के दामों पर कितना असर पड़ेगा, रशिया ने क्यों 25 से 27 प्रतिशत तक के कम दाम पर अपने तेल को बेचने का अनाउंसमेंट किया है, और क्या भारत रशिया की इतनी सस्ती तेल क्यों खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए और भी सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को कड़े और आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, और अब अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूसी तेल व गैस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए ईरान को दोबारा से मार्केट में वापस लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस दिशा में हो रही देरी क्रूड ऑयल के भाव में रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है, और यह अब तक के 14 साल के हाईएस्ट रेट पर पहुंच चुका है। दरअसल दोस्तों, ईरान को तेल मार्केट में वापस लाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश 2015 की न्यूक्लियर डील पर नए सिरे से बातचीत को शुरू करना चाह रहे हैं, और इस बारे में ये कयास लगाया जा रहा है कि तेल के दामों को देखते हुए अमेरिका और ईरान के बीच जल्दी ही न्यूक्लियर डील होने की संभावना हो। क्योंकि दोस्तों, अगर रशिया को ऑयल के मार्केट से बाहर निकाला जाता है तो ऑयल का दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारत और चाइना जैसे देशों पर, इवन पाकिस्तान जैसे देशों पर इसका भारी बोझ बनेगा। क्योंकि दोस्तों, रशिया अकेले ही बहुत ज़्यादा तेल को प्रोड्यूस करता है, और इस समय ईरान पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, जिस कारण ईरान भी अपने तेल को बेच नहीं पा रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर रशिया को इस तेल के मार्केट से बाहर किया जाता है तो ईरान को तत्काल प्रभाव से इस मार्केट में वापस लाना ही पड़ेगा, और इसके लिए अमेरिका और यूरोपियाई देश चाहे जो भी करें। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि रूस अभी रोज़ाना करीब 70 लाख बैरल तेल की सप्लाई करता है, वहीं रिफाइंड प्रोडक्ट के मामले में टोटल ग्लोबल सप्लाई में रूस का हिस्सा करीब 7% के आसपास है। वहीं दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट ये मानते हैं कि अगर रूस के ज़्यादातर सप्लाई को रोक दिया गया तो बाज़ार में एक झटके में 50 लाख बैरल तेल की कमी आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल का भाव $200 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। वहीं दोस्तों, एनालिस्ट की राय ये भी है कि ईरान अगर रूस की जगह सप्लाई करना शुरू कर देता है तो भी ईरान को इस तेल की भरपाई करने के लिए कई महीने लग सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हम कि इससे भारत को क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत जैसे देश होंगे, जो अपनी ईंधन व ऊर्जा की जनसंख्या के लिए बड़े हद तक इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरतों का इस समय करीब 85% इम्पोर्ट करता है, और ग्लोबल मार्केट में जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे भारत के विदेशी मुद्रा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत रूस से काफ़ी कम तेल को आयात करता है, और अपने ज़रूरत का 70% हिस्सा ओपेक जैसे देशों से खरीदता है। दोस्तों, 2021 में भारत ने रोज़ाना 42 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया था, जो कोविड के आयात की तुलना में कम है। लेकिन दोस्तों, रशिया के सरकारी तेल कंपनियों ने भी भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देने की तैयारी कर ली है, बशर्ते उनका ये शर्त है कि भुगतान स्विफ्ट की बजाय किसी और व्यवस्था से हो। दोस्तों, मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया है कि रूस की तेल कंपनियों ने मौजूदा भाव के मुकाबले 25 से 27% कम दाम पर कच्चा तेल देने की पेशकश की है।